हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं ना अपना ब्लॉग अपनी छत से ही बना रही हूँ। और मेरे ब्लॉग में आज मैं अपने पापा को दिखाऊंगी वो क्या कर रहे हैं। और आज मेरी अन्नू फिर से आई है हमसे मिलने, मॉर्निंग की आई हुई है। अन्नू हाय बोलो। हाय। अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? अनुष्का। सही से बताओ। अनुष्का। अनुष्का नाम है। और ये ना मॉर्निंग से आई है और मॉर्निंग से अभी इवनिंग हो गई है, शाम के 4 बज रहे हैं, अभी भी यहीं पर है, पता नहीं कितने टाइम जाएगी। ये देखिए क्या कर रहे हैं, नीचे कुछ प्लांट्स लगाए थे मैंने, तो वही प्लांट्स की ये लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है इसको, बस इतना पता है कि उसकी जो एक्स्ट्रा घास है वो निकाल रहे हैं, शायद उसकी नरवाई बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्या बोलते हैं जो घास निकालते हैं उसे, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। यहाँ पे भैया हैं और मेरे पापा भी यहीं कहीं हैं, वो पता नहीं कहाँ पर गए। यहाँ पर ना काफ़ी पौधे लगाए हैं हम लोगों ने, मुझे भी आइडिया नहीं है, बैंगन के हैं, टमाटर के हैं और भी बहुत से पौधे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पालक भी लगाया है, सरसों भी लगाई है, छोटी छोटी निकल रही है। पापा तो नहीं दिख रहे हैं, पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने जो छत पर टमाटर लगाए थे वो कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये टमाटर बड़े हो गए हैं, इसमें से कुछ पक गए थे तो मैंने निकाल भी लिए हैं, अभी तो कुछ कच्चे हैं। यहाँ पे क्या है ना, डेली एक टमाटर पकता है और अभी मुझे लगता है कि शायद ये पक जाएगा, कल तक पक जाएगा ये। और ये दोनों प्लांट्स ना अलग अलग हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ऐसा मैंने बोला था कि एक जो पौधा है वो बेल की तरह है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बेल जैसा है पर वो भी अगर उसमें लकड़ी में फंसाएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। बट ये वाले जो पौधे हैं इसमें बड़े टमाटर आ रहे हैं और बाकी जो छोटे छोटे हैं उसमें मतलब रुको हिलाओ तो क्या हिलाएं, क्यों हिलाएं, ये टूट जाएगा ना, बच्चा है। किसमें? अबे ये टमाटर हैं, तुम ऐसे पकड़ोगे ना टूट जाएंगे। बोल रही है कह रही है इन टमाटरों को हिलाओ, हिलाने से क्या मिल जाएगा बोलो, अगर हम टमाटर को हिलाएंगे तो क्या मिलेगा? टूट जाएगा ना, तोड़ने के लिए नहीं बोल रही है, बोल रही है इसको हिलाओ, बहुत शैतान है ये। अन्नू उधर मत जाओ, गिर जाओगी। और ये ना मेरी नाक पे पहला पिंपल निकला है, अब बहुत परेशानी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, मेरा ना ये पूरा इतना ये बहुत पेन कर रहा है। और मुझे ना पता है आप लोगों को एक बात बताओ, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, किसी के फेस पे जो दाने निकलते हैं ना, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, मुझे वो फोड़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पर जब मेरे निकला है तो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जब दूसरों के फेस पे निकलते हैं तो कितना पेन करते हैं, ऊपर से मैं उनका फोड़ देती हूँ तो उनको और प्रॉब्लम होती होगी, और जब मेरे निकला है तब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है। भाई बोल रहा था कि लाओ ये तुम्हारा दाना फोड़ दें, तो मैंने कहा नहीं फोड़ो नहीं, तो कहता है कि मेरे फेस पे निकले तो बहुत जल्दी फोड़ देती है और अपना बचा के रख रही है। और प्लीज़ आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह और भी वीडियोस बनाती रहूँगी, प्लीज़ उन वीडियो को भी फुल वॉच कीजिए एंड उन वीडियो में भी काफ़ी ढेर सारा प्यार दीजिए।